बहुत ही प्यारा चैप्टर है आज का, बहुत ही सुंदर और एक-एक शब्द सुनने वाला। सोमा ने आह भरी, आह। सोमा ने विस्मित स्वर में लगभग चिल्लाकर कहा, जब हम प्रातःकाल उसके सामने जाकर बैठे, कल तक उसका स्वर जो बहुत नरम और कोमल थी, अब तीव्रता से हवा के माध्यम से प्रतिध्वनित हुआ, जिसने हमें चौंका दिया। मैं लगभग अपनी सीट से उछल पड़ी, मतलब इतनी जोर से उसने आहा बोला। तो मीनाक्षी ने कहा कि मैं अपनी सीट से उछल पड़ी, उसे लगा था कि उसने माता को बरगलाया है, लेकिन चाल उस पर थी। सोमा का एक दिन पहले का दुखद स्वर अब अवहेलना के स्वर में बदल चुका था। उसके संज्ञान में नहीं था कि उसकी हार के लिए लंका में माता का प्रवेश अनिवार्य था, अनिवार्य था। यह वह था माता नहीं जो जाल में फंस चुका था। कह रही वो नहीं कि माता फंस गई, ये वो था जो अपने जाल में फंस चुका था। ये किसके लिए बोला गया? रावण के लिए। वह नहीं जानती थी कि आगे उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, लेकिन वह जानती थी कि वह इसलिए धरती पर आई थी ताकि बढ़ती हुई नकारात्मक शक्तियों से पृथ्वी को छुटकारा दिलाया जा सके, जो पूरी सृष्टि के निर्धारित भविष्य आज में बाधा बन रहे थे। बता दो, ये मेरा बेटा है। लंका में उनका प्रवेश माता का महान त्याग था, जो हम सबके लिए किया गया। लंका में उनका प्रवेश माता का महान त्याग था, जो हम सबके लिए किया गया था। तो यह माता द्वारा तैयार योजना थी। मेरी माँ अविश्वास में फुसफुसाई। इस पर बात तो हुई है, लेकिन अयोध्या में किसी ने भी उन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। सोमा फर्श पर अपनी जगह से थोड़ा उठी और अपनी नजरें मेरी माँ की ओर घुमाई। अपने मैम कोमल, 3-4 लाइंस पीछे पढ़ दो, नेट चला गया था, सॉरी। हाँ जी, लंका में उनका प्रवेश माता का महान त्याग था, जो हम सबके लिए किया गया था। तो यह माता द्वारा तैयार योजना थी। मेरी माँ अविश्वास में फुसफुसाई, मतलब उसे विश्वास नहीं हो रहा था, वो फुसफुसाई। इस पर बात तो हुई है, उसने कहा मीनाक्षी की माँ ने, कि इस पर बात तो हुई है, लेकिन अयोध्या में किसी ने भी उन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। सोमा फर्श पर अपनी जगह से थोड़ा उठी और अपनी नजरें मेरी माँ की ओर घुमाई। अपने कोमल और शिष्ट व्यवहार को कठोर दृष्टि में परिवर्तित करते हुए दृढ़ स्वर में बोली, मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वह अयोध्या के लोगों को ज्ञात नहीं है। उसने कहा कि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, वो अभी अयोध्या के लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि वे अपनी महारानी की परीक्षाओं के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि केवल अपने महाराज के शौर्य और विजय की गाथा जानने के इच्छुक थे। बल्कि केवल अपने महाराज श्री राम के शौर्य और विजय की गाथा जानने के इच्छुक थे। मैं इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराती। धारा बदल रही है और भविष्य में स्त्रियों के पराक्रम की बात नहीं की जाएगी। महिलाओं का दर्जा घटकर छाया मात्र में धूमिल हो जाएगा। मुझे यह पूर्वाभास हो चुका था और माता को भी। उसका चेहरा सौम्य हुआ और उसने आगे कहा, अयोध्या लौटने के बाद माता ने लंका में बीते हुए अपने समय की बात कभी नहीं की, संभव है श्री राम से भी नहीं। सिर्फ एक, जिनको उन्होंने अपने सभी कष्ट और पीड़ादायक कठिन समय के विषय में बताया, वो थे हनुमान। सिर्फ एक, जिनको उन्होंने अपने सभी कष्ट और पीड़ादायक कठिन समय के विषय में बताया, वो कौन थे? वो हनुमान थे, जिनका जन्म वानर जाति में हुआ था। स्वयं महादेव, स्वयं महादेव श्री राम और माता सीता को उनके लक्ष्य प्राप्ति हेतु मदद करने के लिए महाबलशाली पवन पुत्र हनुमान के स्वरूप में आए थे।
स्वयं महादेव श्री राम और माता सीता को उनके लक्ष्य प्राप्ति हेतु मदद करने के लिए महाबलशाली पवन पुत्र हनुमान के स्वरूप में आए थे। माता और हनुमान के बीच एक गहरा संबंध था। जैसे एक दिन हमने बात की थी कि श्री राम को सूर्यवंशी कहा गया और माँ को सीता को माँ वसुंधरा की पुत्री कहा गया। तो एक सूर्य है, दूसरा धरती है, और दोनों के बीच में वायु, और दोनों को मिलाने वाला, दोनों को बांधने वाला वायु, वो महादेव की शक्ति पवन पुत्र हनुमान के रूप में है। मैम, हम किस पेज पे आ रहे हैं? 194 जी। थैंक यू मैम। माता और हनुमान के बीच एक गहरा संबंध था, वास्तव में अति बहुमूल्य संबंध। तो इसीलिए क्या दिखाया है, देवियों के मंदिर में जाते हो आप तो बाहर हनुमान जी को लगा रखा होता है ना, उनकी मूर्ति लगा रखी होती है पहरेदार की तरह, रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। पावर तो मीन्स सबसे पहले हमारा मूलाधार स्ट्रांग होगा ना, तभी हम शक्ति के पास पहुंच सकते हैं। हनुमान माता के लिए एक बालक की तरह थे, एक समर्पित और प्यार करने वाले बालक की तरह। अगर जरूरत पड़ती तो वे माता के लिए ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक भी जाते। वही थे जिन्होंने माता के शरीर त्यागने के पश्चात मुझे ये कहानियां सुनाई थी। सोमा ने कहा कि माता के शरीर त्यागने के बाद हनुमान ने मुझे ये कहानियां सुनाई। सोमा ने कहा माता ने शायद ही कभी अपनी खुद की उपलब्धियों के बारे में बात की, और उन्होंने हनुमान को भी कहा कि उनकी सहन शक्ति, धैर्य व प्रेक्षा के बारे में सार्वजनिक चर्चा ना करें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को जानने की जरूरत है उन्हें पता चल जाएगा। मैं आपको और पुत्री को यह कहानी सुना रही हूं क्योंकि आप इसकी अधिकारी जान पड़ती हैं, और यहाँ एकत्रित अन्य लोगों के साथ भी जिन्होंने पहले इन कहानियों को सुना है। मैंने इधर उधर देखा और पाया कि तपस्वियों का एक समूह उस छोटी सी झोपड़ी में आया हुआ था। मैं सोमा में इतनी तल्लीन थी कि मैंने उन्हें प्रवेश करते नहीं सुना था। वे चुपचाप आंखें बंद किए हाथ जोड़कर बैठे थे। इन शब्दों के बाद सोमा धीरे से फर्श पर वापस आ गई और बंद आंखों से धीरे धीरे आगे पीछे हिलना शुरू कर दिया, जैसे ऐसे ऐसे करता है ना बंदा, इमोशंस के साथ, भाव के साथ। उसे पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे क्या हो रहा है ना। उसने अपनी कहानी वहां से उठाई जहां पिछले दिन छोड़ी थी। माता को रावण के विमान पर खींचे जाने के बाद वह खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा पाने में सफल हुई। तथ्य यह है कि उसके माता को स्पर्श करने से वह प्रतिक्रिया आई थी जो मैंने माता में कभी नहीं देखी थी, क्रोध। उसके पकड़े जाने, उसको जब माता ने उसके शरीर को स्पर्श किया, कहते मैंने वो चीज फील की जो माता में मैंने कभी नहीं देखी थी। वो क्या था? क्रोध। यह उनकी स्वाभाविक स्थिति नहीं थी, लेकिन क्रोध उत्पन्न हुआ और वह उस पर बरस पड़ी। तुमने यह दुस्साहस किया कैसे? मुझे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे राक्षसी माया जाल में जाऊंगी, लेकिन अपनी मर्जी से तुम्हारी बंदी बनकर नहीं। मुझे हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारे राक्षसी माया जाल में जाऊंगी, लेकिन अपनी मर्जी से तुम्हारी बंदी बनकर नहीं। कभी रावण, कभी नहीं रावण, मैं तुम्हारी बंदी कभी नहीं हो सकती। रावण, मैं तुम्हारी बंदी कभी नहीं हो सकती। उनसे निकल रही, किसी का अनम्यूट आ गया, उनसे निकल रही क्रोध अग्नि को देखकर रावण पीछे हट गया। माता ने हनुमान को बताया कि उन्हें नहीं पता कि उन पर क्या सवार हो गया था, लेकिन यह आग उठ गई थी और उनका पूरा शरीर अंगार जैसा जल रहा था। उनसे निकल रही, ध्यान से सुनिए ये लाइन, उनसे निकल रही क्रोध अग्नि को देखकर रावण पीछे हट गया। माता ने हनुमान को बताया कि उन्हें नहीं पता कि उन पर क्या सवार हो गया था,
लेकिन यह आग उठ गई थी और उनका पूरा शरीर अंगार जैसा जल रहा था। वह अपने आप को तब तक शांत नहीं कर पाई जब तक कि उन्हें एक दिन पहले श्री राम से कहे वे शब्द नहीं याद आ गए। कह रहे वो तब तक अपने आप को उस क्रोध की अग्नि में से शांत नहीं कर पाई जब तक श्री राम के एक दिन पहले कहे हुए शब्द उन्हें याद नहीं आए। आप वह धैर्य हैं, आप वह धैर्य हैं, क्या कहा था श्री राम ने, जो मेरे आंसुओं को शांत करते हैं। माता सीता ने कहा था कि आप वो धैर्य हैं जो मेरे आंसुओं को शांत करते हैं और असीम शांति के भंडार हैं जो मेरे सभी दुख दर्द मिटा देते हैं और मेरी असहनीय पीड़ा हर लेता है जो मैं विश्व के लिए महसूस करती। उन्होंने कहा कि आप वो धैर्य हैं जो मेरे आंसुओं को शांत करते हैं, वो असीम असीम शांति के भंडार हैं जो मेरे सभी दुख दर्द मिटा देते हैं और मेरी असहनीय पीड़ा हर लेते हैं जो मैं विश्व के लिए महसूस करती। श्री राम के कुटिया में वापस आने पर उन्हें वहां ना पाने के विचार से ही वह संताप से बिखर गई। उन्होंने हनुमान को बताया कि अपनी खेत खोती हुई चेतना को बनाकर रखने के लिए उन्हें स्वयं से लड़ना पड़ रहा था। मतलब उनकी चेतना खो रही थी, उसे बनाए रखने के लिए उन्हें उनसे लड़ना पड़ रहा था। वे जानती थी कि उन्हें सचेत रहना होगा। तब उन्होंने अपने प्रिय मित्र जटाऊ वह गिद्धराज को अपने पीछे उड़ते देखा। उन्होंने अपने प्रिय मित्र जटाऊ वह गिद्धराज को अपने पीछे उड़ते देखा। उसने सीता का रुंदन और उन्हें राम का नाम पुकारते सुना था और विमान पर खींचे जाते देखा था। उसने पराक्रम के साथ रावण से युद्ध करने का प्रयास किया जिसने उसका पंख काट दिया और उसे प्राण घातक रूप से घायल कर दिया। यह टायु लहूलुहान होकर भूमि पर गिर गया। यह टायु लहूलुहान होकर भूमि पर गिर गया। माता दर्द से चिल्लाई जैसे उनकी अपनी बांह काट दी गई हो। तब पवन के देवता वायु ने उन्हें घेर लिया और माता को उनके शब्द सुनाई दिए। माता दर्द से चिल्लाई जैसे उनकी अपनी बांह काट दी गई हो। तब पवन के देवता वायु ने उन्हें घेर लिया और माता को उनके शब्द सुनाई दिए। प्रिय, यह तुम्हारी पहली श्रुति है किंतु यह आखिरी नहीं होगी। तुमने जो कार्य अपने हाथ में लिया है उसे पूरा करने में कई बलिदानों की आवश्यकता होगी। इससे उनके स्वयं का संकल्प याद आ गया। लंका पहुंचने पर उन्हें अधिक समय नहीं लगा। रावण माता को एक बंदी के रूप में देखना चाहता था, इसलिए उसने उनकी कलाई को जंजीर से बांधने की कोशिश की, लेकिन माता ने प्रतिरोध करते हुए कहा, यदि वे आने के लिए सहमत ना होती तो संसार की कोई भी जंजीर उन्हें बांध नहीं सकती थी। माता ने कहा कि अगर मैं आने के लिए सहमत ना होती ना तो कोई दुनिया की कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती थी, कोई जंजीर बांध नहीं सकती थी। जब विमान पहुंचा वे विमान से नीचे उतरी, वे उस भीड़ को देखकर चकित थी जो उन्हें बधाई देने के लिए आई थी। सैनिक, घर के सदस्य और अपने घायल चेहरे पर एक विशाल मुस्कुराहट के साथ शूर्पणखा। जैसे ही माता ने आंगन में प्रवेश किया, शूर्पणखा ने उन पर थूका और बोली, ये उसका प्रतिशोध था। वे मानो स्तब्धता की स्थिति में चल रही हो। माता ने एक बड़े प्रवेश द्वार आंगन से गुजरते हुए साथ लगे एक बगीचे में प्रवेश किया। अब उनका आत्म संयम संयम वापस आ चुका था और वह आश्रय के स्थान के विषय में सोच रही थी। बगीचे में दूर एक तरफ उन्हें एक बड़ा सा अशोक का पेड़ दिखाई दिया। बगीचे में दूर उन्हें एक बड़ा सा अशोक का पेड़ दिखाई दिया जो लगा जैसे उन्हें बुला रहा। वो पेड़ के नीचे बैठ गई और उसकी छाल के साथ अपनी पीठ ऐसी लगाई जैसे पेड़ के जीवन में खुद को संरक्षित कर रही हो। पेड़ के जीवन में खुद को मतलब सिक्योर कर रही हो, संरक्षित कर रही हो भी, मैं अब सेफ हूं, सिक्योर हूं। अति क्रूर दिखने वाली महिला पहरेदार के एक समूह ने उन्हें घेर लिया। कहती वो राक्षसियों ने जो उनके वहां पे पहरेदार थी उन्होंने उनको घेर लिया। उनमें से एक पहरेदार उनके लिए फलों की टोकरी और पानी का पात्र लाई और सभी भयानक दिखने वाली राक्षसियों की टोली में केवल इसी की आंखें थी जिसमें दया के करीबी कुछ भाव थे। एक ही थी त्रिजटा, जिसका नाम था त्रिजटा, है ना।
तो एक ही थी जिसकी आंखों में कुछ दया और भाव था। आपको प्यास लगी होगी राजकुमारी सीता, आपके लिए पानी और कुछ फल। सीता ने पानी का एक गहरा घूंट भरा और ध्यान में चली गई। उनका मन, ये पैराग्राफ बहुत ही सुंदर है, इसको अब ध्यान से सुनना कि एक पानी की घूंट ने उनके अंदर क्या मचा दिया, क्या तहलका मचा दिया। सीता ने पानी का एक गहरा घूंट भरा और ध्यान में चली गई। उनका मन अस्पष्ट होने लगा और वह खुद को सतर्क रखने के लिए संघर्ष करती रही। उन्हें श्री राम के साथ अपने संपर्क को पुनः प्रज्वलित करना था, जिससे उन्हें पता चल पाता कि उनके साथ क्या हुआ और वह कहाँ थी। वह बार बार उनका नाम दोहरा रही थी। उन्होंने फिर से कोशिश की, लेकिन श्री राम की उपस्थिति या कोई प्रतिक्रिया महसूस नहीं कर सकी। इससे पहले जब भी माता ने उन्हें पुकारा था, तुरंत ही उनकी भावनाओं को शांत करने के लिए उनकी उपस्थिति का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। कहते उसने बड़ी कोशिश की अपने इनर मन से उनको देखने की, श्री राम को, उनसे बातचीत, पर वो कनेक्शन नहीं लग पाया। इससे पहले जब भी माता ने उन्हें पुकारा था, तुरंत तुरंत ही उनकी भावनाओं को शांत करने के लिए उनकी उपस्थिति का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। वे तुरंत उनके मानसिक पटल पर प्रकट हो जाते थे। वे स्वयं को नकारात्मक सोचने से रोकने के लिए अपने आत्म संयम को बरकरार रखने का संघर्ष कर रही थी। मतलब इतनी नेगेटिविटी होगी एक घूंट पानी पीने से कि वो अपने आत्म संयम को बार बार बरकरार रखने के लिए अंदर ही अंदर संघर्ष कर रही थी कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। जब वह श्री राम को उनका नाम पुकारते सुने, शायद उनकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वह अब उनकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रही। उसे क्या दिखाई दिया कि उनकी मृत्यु हो चुकी, क्योंकि वो उनकी उपस्थिति को फील ही नहीं कर पा रही। किंतु नहीं, उनके सकारात्मक मन ने तभी तर्क दिया, मृत्यु भी उन्हें अलग नहीं कर सकती, मृत्यु भी उन्हें अलग नहीं कर सकती। घंटों बीत गए और माता राम की उपस्थिति को महसूस करने के लिए संघर्ष करती रही। रात हो गई, वह अभी तक भी नहीं हिली थी। दयालु महिला महिला पहरेदार फिर से उनके लिए खाना पीना लेकर आई, लेकिन माता ने खाने से इनकार कर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ आने पर उन्होंने जो पानी पिया था वह दूषित था और उसके उनके मन को अस्पष्ट कर दिया था। उनके मस्तिष्क पर मानो धुंधला कोहरा छा गया था। उन्हें यहाँ कुछ भी पीने या खाने से बचना होगा, इतना वह जानती थी कि अब यहां पे मुझे ना कुछ खाना है और ना पीना है। रात होते होते उनकी हताशा बढ़ती गई और उन्होंने पार्वती माँ का आवाहन किया। उन्होंने क्या किया? पार्वती माँ का आवाहन किया। अब जब श्री राम उनकी पहुंच से परे थे, तो जो उनका मार्गदर्शन कर सकती थी वह केवल पार्वती माँ थी। कहती वो श्री राम के साथ उनका कनेक्शन नहीं लग रहा था, अब कौन बचा था? पार्वती माँ। अपने अस्तित्व की गहराई से माता ने उन्हें पुकारा। सोमा ने अपनी आंखें खोली और सीधे उन तपस्वियों से बोली जो हमारे पीछे बैठे थे, माता रावण के मन में प्रवेश करने और उसके क्रोध, वासना और शक्ति पाने की, उसकी लोलुपता दूर करने के लिए लंका गई थी। माता रावण के मन में प्रवेश करने और उसके क्रोध, वासना और शक्ति पाने की, उसकी लोलुपता दूर करने के लिए लंका गई थी, लेकिन उन्हें उसकी मानसिक क्षमताओं के विस्तार का अंदाजा नहीं था। वह ऐसे भ्रम कैसे पैदा कर सकता था जो बहुत वास्तविक नजर आते थे? कहते वो ऐसे भ्रम पैदा कर देता था कि वो लगता था कि बिल्कुल एक्चुअल हो गया। जो उन्हें श्री राम की मृत्यु नजर आ रही थी, वो भ्रम, वो उसने पानी में ही कुछ ऐसा कर रखा था। अब इन भ्रमों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसने उनके मन को जकड़ने और प्रतिरोध को कमजोर करने का प्रयास किया था। रावण ने इस चुनौती का खुशी से स्वागत किया, क्योंकि वह जानता था कि माता महान क्षमताओं वाली स्त्री थी और उसकी प्रतिस्पर्धा महान सामर्थ्यवान नारी से हो रही थी। उन्हें जीतने से उसकी उपलब्धियों में वृद्धि होगी, लेकिन उसे उनकी क्षमता का अनुमान नहीं था। मनों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। गहरे और गहरे में माता तब तक अंधकार में उतरती गई जब तक कि उन्हें घूमते हुए अंतराल ने घेर नहीं लिया। ये थोड़ा टिपिकल सा है ये पैराग्राफ, बट इसको मैं 2 बार पढ़ूंगी, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
मनों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। गहरे और गहरे में माता तब तक अंधकार में उतरती गई जब तक उन्हें घूमते हुए अंतराल ने घेर नहीं लिया और उस काली सुरंग ने उन्हें निगल नहीं लिया। धीरे धीरे आकृतियां आकार लेने लगी और उन्हें अपने सामने एक सुनसान उजाड़ भू दृश्य दिखा। क्या दिखाया? काली सुरंग ने उस जैसे उन्हें निगल लिया। धीरे धीरे आकृतियां पिक्चर्स आने लगी, आकार लेने लगी और उन्हें अपने सामने एक सुनसान उजाड़ भू दृश्य, धरती का सुनसान उजाड़ भू दृश्य दिखा, पूरी तरह से बंजर, जहां जीवन के कोई संकेत नहीं थे। वृक्ष जलकर राख थे, सूखी हुई नदियां काले पर्वतों में सुलगते ज्वालामुखी से लावा रक्त सराब जैसे बह रहा था। मीस पेड़ पर्वत सब जल रहे थे, राख हो रहे थे, ज्वालामुखी से लावा रक्त सराब जैसे खून बह रहा हो वैसे बह रहा था। उन जलती लाल चिंगारियों की रोशनी से ही मंद मंद प्रकाश हो रहा था। सूरज, चांद और तारे मानो एक मोटे गहरे आवरण के पीछे गुम हो गए थे, जिससे प्रत्येक जीव का दम घुट रहा था। उस भूम दृश्य पर भटकते हुए जो विस्तृत होता जा रहा था, उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा। अंतत वेदना में उन्होंने पूछा, यह क्या जगह है जहां मौत की पुनर्वृत्ति होती है? अंतत वेदना से, दर्द से उन्होंने पूछा कि ये क्या जगह है जहां मौत की पुनर्वृत्ति होती है, जहां मौत द्वारा से पैदा होती है। अपने कुछ दूर आगे जहां देख पाना कठिन था, उन्हें अचानक लाशों के ढेर पर ठोकर लगी। क्या दिखाई दिया माता को? अचानक लाशों के ढेर पर उनकी ठोकर लगी। अधगले चेहरे और अंग आंशिक रूप से खाई हुई लाशों के ढेर को देखकर वे भागी। क्या दिखाई दिया? अधगले चेहरे और अंग आंशिक, किसी का अंग टूटा हुआ है, किसी का कोई अंग कहीं पड़ा है, रूप से खाई हुई लाशों के ढेर को देखकर वे भागी। हांफते हुए वे वापस उठी। उन्होंने सुना कि वो सब लाशें चीख रही थी और उनका नाम लेकर पुकार रही थी। आप सबको क्या हुआ? ये किसने किया है? लाशें उठी और सब एक साथ बोलने लगी। माता ने देखा कि लाशें स्त्रियों में बदल गई जो दुर्व्यवहार और विकृति का शिकार हुई थी। किसकी लाशें थी वो? स्त्रियों की लाशें थी जिनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जो विकृति का शिकार हुई थी। उन्हें एहसास हुआ कि ये वे स्त्रियां थी जिन्हें रावण ने प्रताड़ित किया था। नहीं, ये जो बोल अभी अब जो अभी आप बोल रहे हो वो रियल में है कि वो इल्यूजन्स है? नहीं, वो सारा दिखाई दे गया ना माता को, मतलब वो सच में देख रही थी वो? सच में देख रही थी वो, जैसे हम एस्ट्रल ट्रेवल में साक्षात्कार? जाते हैं ना, वो एस्ट्रल ट्रेवल में जाके उसे देख रही थी। हाँ जी, साक्षात्कार हो रहा था। हाँ, साक्षात्कार हो रहा। कुछ ना कुछ को उसने मार दिया था, कुछ अन्य ने उसके द्वारा प्रताड़ना के बाद स्वयं को समाप्त कर लिया था। कहते कुछ को तो उसी ने मार दिया था, कुछ ने आत्महत्या कर ली थी। हाँ? हमारी मदद करो माता, उन्होंने पुकार लगाई। उन्होंने पुकार लगाई, हमारी मदद करो माता। उनकी दहशत अचानक प्रेम व करुणा में परिवर्तित हो गई और उन्होंने उनके अधगले चेहरों पर हाथ फेरते हुए एक-एक करके उन्हें छुआ। एक से दूसरे की ओर बढ़ते हुए धीमे स्वर में वे बोली, अपना ये दुख मुझे दे दो बेटी। उन्होंने धीरे धीरे बड़े उससे बोला, दुख अपने दुख धीमे स्वर में यह बोली, अपना ये दुख मुझे दे दो बेटी। प्रताड़ित महिलाओं के मध्य खड़ी माता का स्वर गूंजा, रावण देखो तुमने क्या किया है, रावण देखो तुमने क्या किया है, जो स्त्री को प्रताड़ित करता है उसे इसका दंड भी भोगना होगा। मैं ये जिम्मेदारी लेती हूं। क्या कहा माता ने? कि जो स्त्री को प्रताड़ित करता है उसे उसका इसका दंड भी भोगना होगा। मैं ये जिम्मेदारी लेती हूं। तभी वहां रावण की आकृति प्रकट हुई और ठहाके लगाने लगी। सीता के कानों को चीरती हुई एक गहरी तेज हंसी, उसका अट्ठहास इतना तीव्र था कि मानो कान फटने लगे। इतना जोर से गरजा वो,
इतनी जोर से ठहाके लगाए उसने कि मानो कान फट जाएंगे। तुम्हें मेरी जीत की निशानी मिल गई सीता। इनका सृजन मेरे विलास के लिए किया गया था, इनका सृजन मेरे लिए विलास के लिए किया गया था। सीता ने जिस स्त्री को थाम रखा था उसे छोड़ दिया और देखा कि वे सब धूल में परिवर्तित हो गई। रावण की भी हंसी के एक बादल के साथ लुप्त हो गया। यह एक भ्रम था जा वास्तविकता, माता ने कहा, यह एक भ्रम था जा वास्तविकता। वह समझ नहीं सकी, वह कमजोर और भ्रमित जमीन पर वापस गिर गई। फिर बड़ी कठिनाई से वे उठी और चलना शुरू किया। इस उजाड़ स्थान से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा, उन्होंने सोचा। अचानक एक खूबसूरत जंगल दिखाई दिया। उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, शायद वह आजाद हो गई। जैसे ही उन्होंने जंगल में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि उनके प्रिय नाथ राम एक चमचमाती झील के पास विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनके प्रिय नाथ राम एक चमचमाती झील के पास विश्राम कर रहे हैं। उनके होंठों पर खुशी का रुंदन आते आते ठहर गया। उनके होंठों पर खुशी का रुंदन आते आते ठहर गया और वह उनकी ओर दौड़ पड़ी। फिर उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत अनजान युवती उनके पास लेटी थी और चंचलता पूर्वक उनके बालों को सहला रही थी। फिर उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत अनजान युवती उनके पास लेटी थी और चंचलता पूर्वक उनके बालों को सहला रही थी। राम उसे बता रहे थे कि सीता मर चुकी है, अब वह अयोध्या की महारानी होगी। माता के खुशी के आंसू दर्द के रुंदन में बदल गए। वह दृश्य विलुप्त हो गया और उनके सामने अयोध्या का राजमहल था। राम बगल में सुंदर स्त्री के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। लोग आ रहे थे, उनके चरण स्पर्श कर रहे थे। नहीं नहीं माता रो पड़ी, मैं मरी नहीं राम, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। अपने घुटनों पर गिरते हुए उनकी छाती दर्द से भारी थी। आंखों से आंसुओं का सैलाब वह निकला था और अपनी आंखों के सामने उन्होंने रावण राम को रावण में बदलते देखा। क्या था वो? वो राम नहीं थे, वो रावण था, क्योंकि वो बहुरूपिया तो था। वो छल कपट से ऐसे ऐसे रूप दिखाता था। फिर से उसकी यातनापूर्ण हंसी वातावरण में विष घोल देती है। माता ने कानों को हाथों से बंद किया और वहां से अपनी नजर हटा ली, लेकिन वो जहां भी देखती वहां रावण की ही आकृति दिखाई देती। सॉरी, वो जहां भी देखती वहां रावण की आकृति दिखाई देती। उसकी प्रत्येक आकृति के पीछे एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। अचानक वह उस औरत को दबोच लेता और उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगता। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें नीचे गिरा दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए, उनकी मर्यादा भंग की और उन्हें दर्द में तड़पता छोड़ दिया। एक एक करके उसने उनका पीछा किया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तीव्र दर्द ने माता के शरीर को ऐसे चीर दिया जैसे वह स्वयं इन स्त्रियों के शरीर में हो, जैसे वह सब उनके साथ हो रहा हो। उनका हृदय पीड़ा से चूर चूर हो रहा था और उन्हें लगा कि निश्चित ही मृत्यु निकट है। उन्होंने कहा कि ये सारा दर्द देख के तो मैं मेरी मृत्यु निकट है। वह दृश्य ओझल हो गया और उन्होंने फिर से स्वयं को अंधेरे में अकेला पाया। यह एक भ्रम है, उन्होंने स्वयं से मन ही मन कहा, यह वास्तविक नहीं है। उसने मुझे एक मायावी जाल में फंसा दिया है। मुझे इन झूठी छवियों के छलावे में नहीं आना चाहिए। बचने की कोशिश में वह अंधेरे अंतराल के सभी तरफों भागी, लेकिन खुद को कांच की दीवारों से घिरा पाया। उसने भागने की कोशिश की पर खुद को कांच की दीवारों में घिरा पाया। उन्होंने जहां भी देखा व्यंग करता ताने कसता हुआ रावण का चेहरा उन्हें घूर रहा। जहां भी देखा व्यंग करता हुआ ताने कसता हुआ रावण का चेहरा उन्हें घूर रहा था। वे सब दिशाओं में भटक रही थी किंतु कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वे कौन सी शक्ति है? वे बड़बड़ाई, वे हर दिशा में गई, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। थक कर वे जमीन पर गिर गई। माता ने मां वसुंधरा को मदद के लिए पुकारा किंतु वे छटती ना थी।
उन्होंने हाथ बढ़ाकर मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भर लिया, परंतु उसमें जीवनदायिनी शक्ति का लेश मात्र भी न था। कहते पहले उन्होंने मां वसुंधरा को पुकारा, पर वहां पे चर है ही न था कुछ, मतलब उसमें जीवन था ही नहीं। फिर उन्होंने मिट्टी को अपने हाथ में थामा और चेहरे पे लगाया, तो उसमें भी कोई जीवनदायिनी शक्ति का लेश मात्र भी ना था। वह एक मृत संसार था, एक भ्रम की दुनिया थी। फिर उन्होंने श्री राम को, फिर से दो छोटे बच्चों को अपने बाहों के में लिए सिंहासन पर बैठे देखा। वो पहचान गई कि ये दोनों उनकी ही संतानें हैं। वे रो रो कर उन्हें बुला रही थी। उन्होंने राम को जोर से पुकारा, वे उनकी दिशा में दौड़ी, लेकिन उनके करीब नहीं पहुंच सकी। चाहे वे कितना भी तेज भागे, वे उनसे दूर ही रह जाती थी। बच्चों को देखकर उनकी इच्छा हुई कि वे उन्हें गले लगा लें, राम की आंखों में देखकर कहें कि ये हमारे बच्चे हैं। वो बार बार पुकारती रही और लगा जैसे कोई सुन नहीं पा रहा है। दर्दनाक भय की स्थिति में उन्होंने देखा कि राम ने तलवार निकाली और बच्चों के टुकड़े करने शुरू कर दिए। उन्होंने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और कहा, यह यथार्थ नहीं है, मिथ्या है, यह एक भ्रम है। एक बार फिर उनके प्रिय पति का रूप रावण में परिवर्तित हो गया और उसकी हंसी हवा में गुंजायमान हो गई। उन्होंने खुद को बच्चों की विखंडित और विघटित लाशों के समंदर में पाया। पहले स्त्रियों की लाशों में, फिर बच्चों की विखंडित और विघटित लाशों के समंदर में पाया। उनकी माताएं किनारे पर खड़ी माता को मदद के लिए पुकार रही थी। माता ने चारों ओर इस क्रूरतापूर्ण कृत्य को देखा और आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ वे बोली, ये क्या अनिष्ट है, ये क्या अनिष्ट है, ये खौफ किसके दिमाग की उपज है, ये खौफ किसके दिमाग की उपज है। तुरंत जवाब आया, ये वही है जिसने बार बार अपने ही बच्चे धन्यभागी भक्त प्रहलाद की हत्या का प्रयास किया था। आ गया ना हिरण्यकश्यप, जी हाँ जी हाँ जी जिसने बार बार अपने ही बच्चे धन्यभागी भक्त प्रहलाद की हत्या का प्रयास किया था। यह वही है जिसने इस संभावना, इस विचार रूपी का सृजन किया है। इससे पहले ये घृणित मानसिकता और विनाशकारी विचार रूप पुरुषों के मस्तिष्क में प्रवेश करे और यह क्रूर व्यवहार पृथ्वी को अपनी चपेट में ले ले, और इससे पहले कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार एक सामान्य प्रथा बन जाए, इसे नष्ट किया जाना आवश्यक है और इस दुष्ट का अंत अनिवार्य है। माता ने कहा, ये सब कुछ पहले दिखाई दे गया, ये तब जब वो हिरण्यकश्यप के रूप में था। तो माता ने कहा कि अब ये फिर से सारा कुछ ये करे, जा आगे करे, जा ये रावण के रूप में जो कर रहा है ये आगे करे, इसलिए इसका 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 अंत होना बहुत ही अनिवार्य है। सोमा ने अपनी आंखें खोली। हमारे चेहरों पर खौफ का भाव देखकर वह हड़बड़ी में बोली, मैं आपको डराना नहीं चाहती, बल्कि आपको यह दिखाना चाहती हूं कि माता को कैसी यातना झेलनी पड़ी थी। क्या ये सारे भ्रम रावण के कारण थे, मेरी माँ ने रघुंधे स्वर में पूछा। सोमा ने सिर हिलाकर जवाब दिया और आगे बढ़ी। अपने कार्यों के माध्यम से रावण सामूहिक रूप से जनमानस के मनों में एक प्रकार के व्यवहार को अंत स्थापित कर रहा था जो अभी तक अस्तित्व में नहीं था। किसी को तो इन भयानक विचार रूपों का अभिव्यक्त होने से रोकना था। वह मानवता के लिए एक ऐसा पथ स्थापित कर रहा था जो बिपता, आत्मघात और सभी जीवों के विनाश की ओर जाता है। अपनी शक्तियों के कारण वह बहुत खतरनाक हो चुका था। केवल आदि शक्ति ही उसे समाहित कर सकती, केवल कौन, आदि शक्ति ही उसे समाहित कर सकती थी, और इसीलिए माता सीता का जन्म पृथ्वी पर हुआ था। जब माता ने उसके मन में उभरे विचार रूपों को देखा तो वे असहाय महसूस करने लगी। ये असीमित पीड़ाएं उन्हें अत्यधिक जटिल दिख रही थी, और उस चिरा ने एक बारगी उनके मन में अपने स्वरूप को अनंत में विलीन करने का विचार आया। शायद यह उनके अपने दिव्य घर वापस लौटने का समय था। ये पैराग्राफ मैं फिर से पढ़ रही हूं। जब माता ने उसके मन में उभरे विचार रूपों को देखा, किसके किसके अंदर, रावण के अंदर, तो वे असहाय महसूस करने लगी।
ये असीमित पीड़ाएं उन्हें अत्यधिक जटिल दिख रही थी और उस क्षण एक बारगी उनके मन में अपने स्वरूप को अनंत में विलीन करने का विचार आया कि अब खत्म कर लेना चाहिए अपने आप को। शायद यह उनके अपने दिव्य घर वापस लौटने का समय था। जैसे ही ये विचार उभरा, वे जमीन पर गिर गई और लगा कि वह अपने शरीर को छोड़ रही है जो निस्तेज हो गया था, जिसमें जान ही नहीं, जिसमें कोई तेज ही नहीं बचा था, क्योंकि प्राण उससे बाहर जा रहे थे। तभी उन्हें अपने प्रिय राम की मधुर आवाज सुनाई। कहते जैसे ही बिल्कुल उसमें से प्राण खत्म होने लगे, तभी उन्हें ब्रह्मांड में से अपने प्रिय राम की मधुर आवाज सुनाई दी। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें पराजित कर सके सीते, जो तुम्हें पराजित कर सके सीता, क्योंकि यह तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम ही है जो केवल मुझे ही नहीं बल्कि सभी ब्रह्मांडों को भी जीवित रखता है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें पराजित कर सके, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम ही है जो केवल मुझे ही नहीं बल्कि सभी ब्रह्मांडों को भी जीवित रखता है, क्योंकि माता को प्रकृति से बहुत प्रेम था। उन्होंने नजरें उठाई और श्री राम की मोहक आकृति दृष्टिगोचर हुई। जैसे ही माता ने श्री राम का नाम लिया, उनकी मनमोहक आंखों की नीरवता में उनके द्वारा अनुभव की गई तमाम पीड़ाओं को दूर कर दिया। उन्होंने नजरें उठाई और श्री राम की मोहक आकृति दृष्टिगोचर हुई, उनके सामने आ गई। जैसे ही माता ने श्री राम का नाम लिया, उनकी मनमोहक आंखों की नीरवता ने उनके द्वारा अनुभव की गई तमाम पीड़ाओं को दूर कर दिया। श्री राम का पावन नाम माता के रोम रोम में और उनकी अंतरात्मा में प्रविष्ट हो गया और उसी क्षण से उनके नाम ने माता को कभी नहीं छोड़ा। श्री राम का पावन नाम माता के रोम रोम में और उनकी अंतरात्मा में प्रविष्ट हो गया और उसी क्षण से उनके नाम ने माता को कभी नहीं छोड़ा। उनके शरीर का प्रत्येक अणु राम 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 की ध्वनि से गूंजने लगा। उनके शरीर का प्रत्येक अणु राम 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 की ध्वनि से गूंजने लगा। उनका संकल्प पुण्य जागृत हो गया और उनकी शक्ति फिर से लौट आई। वे अपने आसपास के मृत बच्चों को उठाने लगी और उनके अंगों को ठीक करने लगी। जैसे उन्होंने ऐसा किया, दृश्य माया जाल की धुंध की तरह ओझल हो गया और उन्होंने खुद को पृथ्वी से कुछ दूरी पर सौर मंडल के ग्रहों के बीच विशाल खुले अंतरिक्ष में खड़े पाया। तेरे जैसे ही उन बच्चों के अंगों को उन्होंने जोड़ना चाहा, तो वो दृश्य माया जाल की धुंध की तरह ओझल हो गया और उन्होंने खुद को पृथ्वी से कुछ दूरी पर सौर मंडल के ग्रहों के बीच विशाल खुले अंतरिक्ष में खड़ा पाया। उन्होंने देखा कि रावण एक बड़े उल्कापात को अपने हाथों में लेता है। रावण मतलब पूरे उल्कापात मीन्स एक पूरा, जैसे जैसे ये एक ब्रह्मांड है ना, वैसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, उनमें से पूरे एक उल्कापात को जहां पे बहुत सारे ग्रह हैं वो अपने हाथों में लेता है। रोष में उन्हें घूरते हुए उल्कापात को पृथ्वी को और फेंक देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। मैं सबका विनाश कर दूंगा, सब कुछ नष्ट कर दूंगा। उसकी कुटिल आवाज संपूर्ण व्योम में गूंज रही थी। माता शीघ्रता से आगे बढ़ी। वह उल्कापात और पृथ्वी के मध्य आकर उन्होंने उल्कापात के प्रभाव को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया, जो उससे पूरी पृथ्वी नष्ट होनी थी ना। तो माता पृथ्वी और उल्कापात के बीच में खड़ी होगी और जो उल्कापात का वो होना था वो सारा माता ने अपने शरीर पर ले लिया, ताकि उल्कापात का दृश्य दुष्परिणाम से माँ धरती को कोई क्षति ना पहुंचे ताकि उल्का के दुष्परिणाम से माँ धरती को कोई क्षति ना पहुंचे। रावण एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाकर उन पर शक्तिशाली उल्काओं से वार करता रहा, किंतु माता ने ढाल बनकर हर ग्रह की रक्षा की। रावण एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाकर उन पर शक्तिशाली उल्काओं से वार करता रहा, किंतु माता ने ढाल बनकर हर ग्रह की रक्षा की। मैं उस हर ग्रह की रक्षा करूंगी जिसका तुम विनाश करने की सोच रहे हो, उन्होंने रावण से कहा। रावण सूरज की ओर इंगित करते हुए कहा, मैं इस प्रकाश के गोले को अंधकार से भरकर काला कर दूंगा।
उन्होंने क्या कहा, रावण ने क्या कहा कि मैं इस प्रकाश के गोले को अंधकार से भरकर काला कर दूंगा और मैं सूर्य देव को फिर से प्रज्वलित कर दूंगी। उन्होंने उग्रता से उत्तर दिया। उस पर दृष्टि स्थिर दृष्टि डालते हुए वे बोली, वे अलौकिक प्रेम की ऊर्जा जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है और पालन कर रही है, उसे तुम्हारे द्वारा उत्पन्न क्रोध व घृणा की अग्नि जला नहीं सकती। माता ने क्या कहा कि वह अलौकिक प्रेम की ऊर्जा जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है और पालन कर रही है, उसे तुम्हारे द्वारा उत्पन्न क्रोध व घृणा की अग्नि अग्नि जला नहीं सकती। इन सभी नकारात्मक विचारों और काली ऊर्जा को सुनहरी सुनहरी वैश्विक वैश्विक ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा में बदलना ही पड़ेगा। वैश्विक होता है शिव से ली हुई ऊर्जा, जो शिव के वो होते हैं ना अनुयायी, उनको बोलते हैं वैश्विक। वह वहां से लुप्त हो गया और एक दूर के सौर मंडल से उन्हें पुकारने लगा, सीता तुम यहां मुझ तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन माता उसके सामने प्रकट हो गई, एक आकाश गंगा से दूसरी आकाश गंगा तक उसका पीछा करती रही। वह उसे अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने दे सकती थी, अन्यथा उसकी विनाशकारी शक्तियां ब्रह्मांड पर ऐसी अंतही दहशत उत्पन्न कर सकती थी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। मतलब अभी तो ब्रह्मांड में ही युद्ध चल रहा है, उसके पीछे क्या ताकत थी, किसने ऐसी क्रूरता क्रोध और घृणा को जन्म दिया। अचानक माता ने रावण का पीछा करना छोड़कर सोचा, वह फुसफुसाई, रावण के भीतर अपने पिछले जन्म की स्मृति है, जब वह महाराज हिरण्यकश्यप था जिसने भगवान नारायण की पूजा करने के अपराध में अपने ही पुत्र प्रहलाद को मारने का भरसक प्रयास किया था। उसके भीतर कौन सा दर्द दबा है, किस तरह मैं उसका दर्द दूर करूं, मैं उस दर्द से कैसे राहत दिलाऊं। सोमा शांत होगी, फिर उसने पूछा कि आप समझे कि मैं क्या वर्णन कर रही हूं। सोमा शांत होगी, फिर उसने पूछा कि क्या तो आप समझे कि मैं क्या वर्णन कर रही हूं। मैं और मेरी माँ दोनों ने अपना सिर हिलाया, लेकिन तपस्वियों की टोली एक स्वर में धीरे से बोली, हाँ सोमा, हम तुम्हें सुन रहे हैं, हम समझते हैं कि माता क्या करने आई थी। सोमा ने आगे कहना शुरू किया, वास्तव में माता को रावण के दिमाग में प्रवेश करके उसको समझना था। माता ने क्या करना था, उसके दिमाग में घुस के उसको समझना था, लेकिन वह बहुत चालाक और मायावी था। अब वह जान गया था कि वह उसके विचारों को पढ़ सकती है, इसलिए उसने उन्हें निरुत्साह करने के लिए सभी तरह के भ्रम पैदा करके उन्हें डराने की कोशिश की। वह इससे लगभग सफल हो गया था, क्योंकि वह अभिभूत होने लगी थी, जैसे कि वह कभी अति प्रसन्न होगी और कभी रोने लगती थी और कभी डर जाती। वह तो अपना शरीर त्याग ही देती यदि राम श्री राम उन्हें नहीं रोकते। यह दूसरी बात थी जब पृथ्वी पर श्री राम ने उन्हें रोक लिया था, पहली बार तब जब वह छोटी थी और जंगल में ध्यान की एक उच्च अवस्था में चली गई थी। ना तो जनक बाबा और ना ही वहां एकत्रित सभी संत उन्हें वापस पृथ्वी पर ला सके थे। माता धन्य है कि वे ध्यान के उस उच्च आयाम पर सच्चिदानंद का अनुभव कर रही थी और अपने भौतिक स्वरूप को अनंत में विलीन करने जा रही थी। यदि श्री राम उनके सन्मुख प्रकट ना होते, उनका शरीर विलीन हो गया होता। यदि श्री राम प्रकट नहीं हुए होते, तो यह भौतिक रूप से उनसे मिलने से पहले की बात है। इस बार लंका में दर्द व विनाशक शक्तियों को देखकर वे इतनी विचलित हो गई थी कि उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना उचित समझा। एक बार फिर श्री राम ने ही माता को अपना दिव्य स्वरूप दिखाकर रोक लिया। कारण वे अपना स्वरूप समाप्त करने को थी, उन्होंने अपने भीतर इतना दुख ले लिया था कि वो अपने वास्तविक स्वरूप में लौटना चाहती थी। इस बार भी रोकने वाले श्री राम थे। इससे पहले कि मैं बाकी की कहानी बताऊं, मुझे विराम देना चाहिए, क्योंकि यह कहानी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह है जो रावण के जन्म का कारण बना। मेरी माँ और मैं विराम से संतुष्ट थे, क्योंकि हमने जो सुना था उससे हमारा दिल भारी थे। आपने सुबह का भोजन नहीं लिया है ना, सोमा ने पूछा। हमने अपना सिर हिलाकर उत्तर दिया। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, पहले देखो स्टोरी सुनाई सारी, फिर सोमा कह रही है मैं कहाँ खाने के लिए भी मैं लेके आती हूँ। आइए हम सूर्य देव को नमस्कार करके चले करने चले और उनका धन्यवाद करें।
निरंतर हम पर अपनी ऊर्जा व प्रकाश उत्सर्जित करने के लिए अब तक अपनी रोज की यात्रा के मध्य में पहुंच चुके होंगे और सभी उन वन प्राणियों को भी नमन करें। हम बहुत लंबे समय से अंदर हैं और हमारे दिल भारी हो गए हैं। चलो शुरू करने से पहले मन हल्का कर लेते हैं, थोड़ा जंगल की ओर घूम आते हैं। माता भी यही चाहती होंगी। सोमा क्या कहती है कि सूर्य देव का धन्यवाद करते हैं, वन प्राणियों का धन्यवाद करते हैं, बहुत देर से अंदर बैठे हैं, बाहर थोड़ा वन में घूम के आते हैं। माता की भी यही इच्छा होती। श्राप जिसने रावण को पैदा किया, इसमें से किसी ने कोई प्रश्न तो नहीं पूछना, समझ आ गया ना सबको। अब मैं कहाँ थी कहानी में, अब मैं कहाँ थी कहानी में, सोमा ने पूछा। हम सोमा की कुटिया में वापस आ चुके थे। बाहर बहुत गर्मी थी और कुछ भी खाना मुश्किल। वह हमारे लिए भोजन बनाने के लिए बहुत आग्रह कर रही थी, किंतु हमने किसी प्रकार उसे राजी कर लिया कि केवल जल व फल बहुत हैं इस ग्रीष्म ऋतु में। हमने झटपट थोड़ा जलपान किया। वे शीघ्र उसके कमरे में आ गई, जहां आश्चर्यजनक रूप से हमेशा शीतल पवन महसूस होती थी। अरे हाँ, उसने अपनी बात जारी की। मैं उस याद का वर्णन कर रही थी जिसे माता ने स्मरण किया था। यह स्मृति है उस घटना की जो सदियों पहले घटित हुई थी। यह बहुत प्यारी स्टोरी है कि कौन था रावण। यह स्मृति है उस घटना की जो सदियों पहले घटित हुई, जबकि माता नारायणी के रूप में और श्री राम अपने वास्तविक दिव्य नारायण स्वरूप स्वरूप में थे। जबकि माता नारायणी के रूप में और श्री राम अपने वास्तविक दिव्य नारायण स्वरूप में थे, वे दोनों सत्य लोक अपने अलौकिक परम धाम वैकुंठ में शांति व प्रसन्नता से विचर रहे थे। वातावरण सुगंधित व अति पवित्र था। आनंद की लहरें तैर रही थी। दोनों बिना किसी रुकावट खामोशी से फूलों की सुंदरता के बारे में विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। वातावरण सुगंधित व अति पवित्र था। आनंद की लहरें तैर रही थी। दोनों बिना किसी रुकावट खामोशी से फूलों की सुंदरता के बारे में विचारों का आदान प्रदान कर रहे थे। ये सतयुग की बात है। प्रतिदिन प्रकृति की अनूठी छटा नम रंग बिखेरा करती, और आज का विषय पुष्पों के विभिन्न व अनोखे चटक रंग था। जैसे वो उद्यान में घूम रहे थे, नारायण ने उनसे कहा। नारायण ने उनसे कहा, आज ब्रह्म ऋषि भगवान ब्रह्म के मानस पुत्र चारों कुमार आए थे। ब्रह्म ऋषि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र चारों कुमार आए थे। फिर वे हमसे मिलने भीतर क्यों नहीं आए, उन्होंने पूछा। वे आए थे, किंतु उन्हें हमारे परिचारक जय ने वापस लौटा दिया। अब ये जय कौन है, वापस भेज दिया। वे अचंभित थी। नारायण ने कहा, वे बालकों के रूप में आए थे और जय हमें परेशान नहीं करना चाहता था, उसने ऐसा कहा। किंतु वास्तव में हमारे प्रति उनका निश्चल प्रेम से वह ईर्ष्यावान था और नहीं चाहता था कि वे हमसे मिले। एक एक लाइन ध्यान से सुनना। ये सतयुग की बात हो रही है नारायण और नारायणी के बीच में। नारायण ने कहा, वे बालकों के रूप में आए थे, ब्रह्म के मानस पुत्र चारों वो बालकों के रूप में आए थे। जय हमें परेशान नहीं करना चाहता था, उसने ऐसा कहा। उसने ऐसा कहा, किंतु वास्तव में, मतलब असल में, हमारे प्रति उनका निश्चल प्रेम देखकर, कि उन चारों मानस पुत्रों का अनकंडीशनल लव देख के वह ईर्ष्यावान था। उसे जेलस हो रही थी और नहीं चाहता था कि वो हमसे मिले। मैं इस विषय में उससे बात करूंगा। दूरदृष्टि दौड़ाते हुए नारायण ने ऋषि कुमारों को देखा। मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ उस दिशा में सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, हमें उनके पास चलना चाहिए। उनके पास हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ है। उनसे दोबारा मिलने में मुझे भी अत्यधिक प्रसन्नता होगी, माता ने कहा। वे चारों ऋषि कुमारों के पास प्रसन्न चित्त से पहुंचे। मतलब नारायण और नारायणी चले गए। अब चारों ने उनको चरण वंदन किए। उनमें से एक ऋषि कुमार ने बहुत आदर भाव से झुककर कहा, क्षमा करें नारायण, आपसे ना मिल पाने की वजह से हमें माफ करें। नारायण और नारायणी सादगी से मुस्कुरा उठे और ऋषि कुमार समझ गए कि वे सारी घटना से परिचित हैं। मुझे हमारी परिचारक के व्यवहार के लिए खेद है। मुझे हमारे परिचारक के व्यवहार के लिए, जो उसने बिहेव किया आपके साथ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, नारायणी ने कहा।
ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने कहा। अब हम आपके साथ हैं, प्रभु और माता है, और इसलिए हम खुशी मनाते हैं। हम धरती पर घट रही घटनाओं की खबर आपसे साझा करना चाहते हैं। कुमारों को वापस जाने के पश्चात नारायण और नारायणी अपने भक्त प्रचारक जय को खोजने निकले। उन्हें अपनी ओर आता देख उसने छिपने का प्रयास किया, किंतु नारायण से कुछ भी छिपना असंभव है। उन्होंने उसके भीतर अहंकार और ईर्ष्या के बीजों को जन्म लेते देखा, बीज जो लंबे अंतराल से मौजूद थे, किंतु नारायण ने उसे उच्च आकाशीय स्तरों पर रहने की अनुमति इस उम्मीद से दी थी कि शायद वे समय के साथ नष्ट हो जाएंगे। ये बहुत समझने वाली लाइन है। उन्होंने उसके भीतर अहंकार और ईर्ष्या के बीजों को जन्म लेते देखा। बीज जो लंबे अंतराल से मौजूद थे, मतलब काफी पुराने बीज डले हुए थे वो ईर्ष्या और उसके, किंतु नारायण ने उसे उच्च आकाशीय स्तरों पर, मतलब बाहर बाहर रहे वो, रहने की अनुमति इस उम्मीद से दी थी कि शायद वे समय के साथ नष्ट हो जाएंगे, किंतु उन्होंने देखा कि वे बीज जो अब तक निष्क्रिय थे अब बढ़ने लगे थे, और नारायण अपने सेवक के लिए चिंतित थे। तुमने ऋषि कुमारों को वापस लौटा दिया जो इतने समय के बाद हमसे मिलने आए थे। जय, वैकुंठ में किसी को भी निराश वापस नहीं भेजा जाता। वैकुंठ में किसी को भी निराश वापस नहीं भेजा जाता। उन महान संतों की तो क्या बात थी कि संतों को तो बिल्कुल भी नहीं भेजना है ना। प्रभु, मैंने जो किया वह गलत नहीं था। वे अभद्र बालक थे, मुझसे बहुत असम्मानजनक ढंग से बात करते थे। असम्मान मतलब उन्होंने किसी की रिस्पेक्ट नाम की बात ही नहीं थी। मुझे नहीं लगा इस प्रकार की मनस्थिति के लोगों से आप मिलना चाहेंगे, और इसलिए मैंने उनसे वापस जाने के लिए कहा। नारायण ने देखा कि वह असत्य कह रहा था, और उन्होंने महसूस किया कि उसके मन में धोखे के बीज भी पांव पसार रहे थे। जय, जो तुम कह रहे हो वह सत्य नहीं है। तुम्हें जानना होगा कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम्हें तत्काल उपचार के लिए ध्यान साधना पर जाना होगा, कि इसका उपचार करने के लिए तुम्हें ध्यान साधना पर जाना होगा। तुम यहाँ और नहीं रह सकते जब तक स्वयं को इन सभी भ्रमों से मुक्त नहीं करोगे। कहते हैं यहाँ पे बैकुंठ में तुम्हारी ईर्ष्या जेलसी नहीं चलेगी, जब तक तुम इसका निजात पाके नहीं आते तब तक तुम यहाँ नहीं रह सकते। उन्होंने निर्देश दिए जहाँ जय को जाना चाहिए और जिस प्रकार से ध्यान में संलग्न होना चाहिए। नारायणी ने यह सारा दृश्य अपनी आंखों के सामने देखा। जिस प्रकार ध्यान साधना का निर्देश नारायण ने जय को दिया था, उसका उल्लंघन करते हुए जय सीधा ऋषि कुमारों के पास पहुंचा और उन्हें डांट फटकार लगाई। क्यों आप सब भगवान के पास गए और उन्हें शिकायत किए? जय ने क्रोधित स्वर में पूछा। ऋषि कुमारों ने आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा। अभी जो हुआ वे सब जानते थे। उन्हें पता था कि नारायण ने जय को ध्यान साधना उपचार के लिए भेजा है। उसकी टिप्पणी को नजरअंदाज कर एक ऋषि ने ध्यान सीखने में उसकी मदद करने की पेशकश की, किंतु इस बात ने उसे और अधिक क्रोधित कर दिया। कुमारों ने इस एहसास के साथ एक दूसरे की ओर देखा कि आगे क्या होने वाला है। इस क्षेत्र में क्रोध या अभिमान की कोई संभावना नहीं है। सभी नकारात्मक भावनाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है जब कोई उच्च आकाशीय या कारण जगत में प्रवेश करता है। जब कोई उच्च आकाशीय या कारण जगत क्या है? ये संस्कार। और यदि नकारात्मक भावना की छवि भी उठती है तो उस एक को वापस जाने की अनिवार्यता होती है, ताकि वहां से निकलने वाली उच्च कंपन शक्ति बाधित ना हो जिनसे संघन दुनिया संचालित होती है। यदि इन सूक्ष्म ऊर्जा तरंगों में किसी भी तरह की बाधा पड़ती है तो नकारात्मक तरंगे संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजेंगी। मतलब सतयुग में इनका कोई लेना देना है ही नहीं। अगर ये होगा तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगी। नारायण उपस्थित हुए और जय से शांति से बोले, मैंने तुम्हें पहले ही निर्देश दिए थे जय कि क्या करना है, और अब मैं तुम्हें दूसरी बार चेतावनी देता हूं। अपने आप को तुरंत ध्यान साधना में लगा लो और तब तक उसमें बने रहो जब तक सभी नकारात्मक का वेग भंग ना हो जाए। उस समय तुम्हारे लिए मैं स्वयं आऊंगा। जय ने नारायण से क्षमा मांगी और वहां से विदा ली। स्वयं से कहते हुए यह आवश्यक नहीं था कि नाथ सबके सामने मुझे दंडित करें। उन्होंने मुझे अपमानित किया है। स्वयं पर दया के भाव बेचारगी के बीच ने अपनी जड़ फैला दी थी। मैं अवश्य कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा जिससे इन सन्यासियों से बदला ले सकूं।
जिनकी वजह से मेरे स्वामी से मेरे संबंध विघटित हुए हैं। उसने स्वयं को ध्यान साधना में नियोजित नहीं किया जैसा कि नारायण ने कहा था, बल्कि उसकी जगह बदले की योजनाएं बनाने लगा। जब वह अकेला बैठा था, उसने एक अप्सरा को फलों की टोकरी ले जाते हुए देखा। यह सोचकर ये फल साधुओं के लिए होंगे, उसने उस अप्सरा से बात करनी चाहिए। वह बहुत सुंदर वैशालीन थी। क्या आपके लिए यह टोकरी उठा कर ले जा सकता हूं, उसने पूछा। किंतु उसका उद्देश्य इन फलों को उनके लिए ले जाना बिल्कुल नहीं था जिन्होंने उसे अपमानित किया था। अप्सरा यह समझ चुकी थी और ना नुकर कर रही। उसी पल जय के भीतर काम वासना की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। उसी समय जय के बीच में भीतर काम वासना की ज्वाला प्रज्वलित होगी। इस प्रकार की काम इच्छा को की तीव्रता जो उसे उच्च स्तरीय क्षेत्र में दुर्लभ थी, कह रहे उस क्षेत्र में इस तरह की काम वासना तो बिल्कुल ही दुर्लभ थी। वह अप्सरा घबरा कर संकुचित हो गई। तभी देवी नारायणी वहां प्रकट हुई और कठोर स्वर में बोली, यहाँ वासना का कोई स्थान नहीं है जय, यहाँ वासना का कोई स्थान नहीं है जय। तुम हर स्थान पर नकारात्मक विचारों के बीज फैला रहे हो और स्वयं के लिए भी यातना गढ़ रहे हो। यदि तुम तत्काल ध्यान साधना में नहीं गए तो तुम्हें मजबूरन इस सतह से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन माता, उसने कोई बहाना बनाने का भरसक प्रयास किया, किंतु देर हो चुकी थी। तभी उनमें से एक तपस्वी की धमाकेदार आवाज कौंधी, जय, तुमने सहने की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। तभी उनमें से एक तपस्वी की धमाकेदार आवाज कौंधी, जय, तुमने सहने की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। हमारे प्रति किए अपमान को हमने बर्दाश्त कर लिया, किंतु इस साध्वी के प्रति किया अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारी का तीनों लोकों में सम्मान होता है। तुम्हारी भावनाएं मनुष्य लोक के लिए अधिक उपयुक्त हैं, इसलिए मैं तुम्हें अभिशाप देता हूं कि तुम इस भौतिक जगत में 7 बार जन्म लोगे। मैं तुम्हें अभिशाप देता हूं कि तुम इस भौतिक जगत में 7 बार जन्म लो। यहां तुम्हें अपने नकारात्मक भावों की तिलांजलि देनी होगी और सावधान रहना, क्योंकि ये बढ़ेंगे 1000 गुना में और इसके दुष्परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे यदि तुमने स्वयं को शुद्ध नहीं किया। केवल प्रभु तुम्हें रिहा करेंगे, केवल प्रभु तुम्हें रिहा करेंगे। हर युग में भेष बदल कर आएंगे। नारायण ने स्वयं को प्रकट किया और जय उनके कदमों में गिरकर रोने लगा, प्रभु मुझे इस श्राप से मुक्त कीजिए। मैं स्वयं को फिर से ध्यान में वापस ले जाऊंगा, अब बहुत देर हो चुकी है, नारायण ने उदास पूर्व होकर कहा। मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया, नारायणी ने भी, किंतु तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। यह तुम्हारे विचारों और कर्मों का फल है। कोई भी अपने मन से बच नहीं सकता, वही है जो उसके भविष्य को निर्धारित करता है। तुम्हें यह सिद्धांत ज्ञात है, फिर भी तुमने इस पर विचार नहीं किया। जय अपने मामले की पैरवी करता रहा, किंतु नारायण ने कहा, ऋषि के श्राप को पूर्ववत नहीं किया जा सकता। ऋषि के श्राप को टाला नहीं जा सकता, पूर्ववत नहीं किया जा सकता, लेकिन संक्षेपित किया जा सकता, छोटा किया जा सकता। काल घनीभूत हो रहा जाएगा, तुम्हें केवल 3 जन्म धरती पर लेने होंगे। काल घनीभूत हो जाएगा और तुम्हें केवल 3 जन्म धरती पर लेने होंगे, जिसमें अपने भ्रमों के ऊपर कार्य करने की तुम्हें आवश्यकता होगी। लेकिन तुम्हारे कर्म निर्धारित करेंगे कि तुम वापस वहां यहाँ लौट पाओगे या नहीं। यदि तुम स्वयं को गहरी तपस्या में लीन कर लो तो अपने आप को काम क्रोध और अहंकार से मुक्त कर लो तो यहाँ लौट आओगे, किंतु उन्हें बढ़ने दिया और प्राकृतिक क्षेत्रों को हानि पहुंचाई तो तुम्हारा लौटना नामुमकिन होगा। लंबा है चैप्टर, ठीक है, समझ बहुत अच्छा मैम। आया? अति होने से पहले रोक लो अपने आप को। इतनी मतलब इन चीजों के ऊपर मतलब द्वेष, ये इन सब चीजों के ऊपर वो करना, विजय पाके रहना, मतलब इन चीजों के साथ नहीं रह सकते थे उस टाइम पे लोग। मतलब कितना इस चीज को उन्होंने उस तरह से दिखाया है कि दो मन दिखाया है ना, एक शुद्ध मन एक अशुद्ध मन, रावण का और एक राम राम का। और एक रावण। जी हमारे अंदर ही वो राम है, हमारे अंदर ही वो रावण है।
मैम इसमें बड़ी प्यारी चीज दिखाई है, वो जो लड़का है वो जब उसने उसके अंदर वो पांचों चीजें होती हैं है ना, काम वासना आती है, षड्यंत्र भी आता है, लोभ भी आता है, जलन आती है, तो वो उसको बोलते हैं कि तू अपने आप को ध्यान से शुद्ध कर ले, लेकिन वो करता नहीं है, तो उसमें वो चीजें और बढ़ती जाती हैं। और बढ़ती तो लेकिन उसमें कितना प्यारा उन्होंने बताया कि अगर आप अति से पहले अपने आप को रोक लेते हो, अगर वो पहले ही ध्यान में चला जाता तो आई थिंक सो उसको वो श्राप ही ना मिलता, बिल्कुल है ना। और लेकिन फिर उसके बाद एक और खूबसूरत चीज देखी है कि वो जब सब कुछ उसको श्राप मिला उसके बाद भी उसके अंदर एक पछतावे का बीज भी पैदा हुआ। तो पर वो सात सजा जन्म लेने के बाद ना, गिरने के बाद, गिरने के बाद, लेकिन सात जन्म से 3 जन्म पे आ गया मैम। हाँ वो इसलिए आया ना क्योंकि पता था नारायण को कि क्या होने वाला है, कि सृष्टि तो 4 युगों में ही परिवर्तित होनी है ना। उन्होंने कहा ना कि सृष्टि का घनीभूत हो रहा है, मतलब जो घूमना है, और मतलब उसमें तो फिर इसको कई उसमें चक्रों में घूमना पड़ेगा, क्योंकि वो था तो दिल का तो बहुत अच्छा था, पर वो उस टाइम पे माया के जाल में फंसा हुआ, और उसके अंदर वो जो बीज थे, कहा ना कि उन्होंने उसको कहा कि धीरे धीरे जब ध्यान करेगा, अच्छे काम करेगा, तो अपने आप वो खत्म हो जाएंगे। मतलब उच्च स्तर में रख दिया था उनको भी, कोई बात नहीं, पर वो बढ़ने शुरू हो गए थे। बाद में बोला कि जो तेरी ये गुण है ये मनुष्य जाति के लिए है, ये वैकुंठ के लिए नहीं है। मनुष्य जाएंगे इस ये सारे जो ये जो साधन है, ये जो जो बनाए हैं ये मनुष्यों के लिए हैं। तभी हम कहते हैं कि कलयुग में अगर हम थोड़ा सा भी भगवान का नाम लेते हैं तो उसका फल ज्यादा मिलता है, क्योंकि पछतावा जो है वो जो एक प्राश्चित जो है वो आपको उसके बाद पता है ना कि सतयुग ही आना है, और इस समय जो भी इस चीज के लिए वो करेगा, और वो बहुत सिलेक्टेड सी सोल्स होंगी। अब इसमें से भी तो मुरली में सच्चा हाँ सच्चा युग सतयुग हाँ सच्चे और सच्चे ही। इसमें भी ये आएगा ना कि जैसे 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 जिसका ध्यान साधना चल रही है उसमें भी डिसाइड होगा कि किसने सत में जाना है, किसने त्रेता में जाना है, किसने द्वापर में जाना है। ये अकॉर्डिंग टू हमारे कर्म, हम क्या कर रहे हैं, कितनी ध्यान साधना कर रहे हैं, कितनी। कई बार क्या होता है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, सुबह हम मेडिटेशन कर रहे हैं, दिन में हमारी गॉसिप चलती है, दिन में हम तो वो बैलेंस भी हम साथ साथ करी जा रहे हैं। हमारे पूरे दिन के कार्य कैसे हैं वो डिपेंड करता है, उसी के ऊपर लेखा जोखा है सारा। मैम स्टार्टिंग में कितनी अच्छी बात आपने बोली कि सीता माँ ने कहा कि जब लंका का समय जो उन्होंने व्यतीत किया था, उन्होंने राम श्री राम को भी नहीं बताई वो मतलब कष्ट, और देखो कितना डिफिकल्ट रहा होगा, सिर्फ पवन पुत्र हनुमान हनुमान जी को बताया, इतना सारा समय कहते हैं उन्हीं लोगों तक पहुंचाओ जिनको इसकी जरूरत है, मतलब कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। उनको भगवान राम को भी उन्होंने वो कष्टदायक जीवन के बारे में नहीं बताया। तो पता ही था ना, उन वो नारायणी को तो पता ही था कि मेरे, इनको तो पता ही है। नहीं वो जो सीता जो वो ब्रह्म में मतलब पैदा कर रहा था रावण, और वो जब अच्छा उन्होंने राम का नाम लिया वो उनके अंतर मन में मतलब डीएनए में बस गया, और वो शक्तियां उनको दोबारा प्राप्त होती हैं, तो वो हाँ, डीएनए की बात एक करें एक वहां कण पे। अणु में बोला ना कि एक एक अणु में, अणु से एक एक सेल में गया है ना। तो तभी क्या कहते हैं ना कि राम का नाम जपना। अब राम का नाम जपना हम उसमें ना वो आ जाते हैं कि एकदम पर्टिकुलर बिल है राम का। बेसिकली अगर हम राम वर्ड की बात करें ना तो हमारा जो सोलर प्लेक्सस है, जो अंदर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जो वो जो हमारा सेंटर वाला पोर्शन है ना, वहां पे स्थिरता आनी शुरू हो जाती है। दीदी वो डर खत्म हो गया ना उनका। हाँ वो डर खत्म, क्योंकि डर कहाँ पैदा होता है, डर हमारे मूलाधार, मूलाधार से एनर्जी कहाँ आती है, हमारे सोलर प्लेक्सस में जहां पे अग्नि प्रज्वलित होती है, क्योंकि धरती की पुत्री वो धरती से प्रज्वलित हुई। अब वो कहाँ आंसुओं में लिप्त, तो स्वाधिष्ठान, और आके अग्नि की ज्वाला में सुलग रही है। तो अग्नि को शांत करने के लिए वो इतनी ददक रही है, ददक रही है, ददक रही है, देख देख के वो कितने सीन दिखाए हैं। और क्या दिखाया उसके बीच में,
कि उन्होंने दिखाया कि एंड में मतलब जब वो बाहर निकली कि तब में और उन्होंने राम के नाम को इतना वो किया कि वो जो पावर हाई पावर उस पावर के साथ साथ वो एनर्जी बैलेंस होनी शुरू होगी। माया के कितने रूप दिखाए उन्होंने कि लेडी को कहाँ कहाँ पे माया जो जो रावण दिखाया है ना बेसिकली वो यही है कि वो पांच मस्कुलाइन वाइसेस और पांच फेमिनाइन वाइसेस, दो 10 सिर का मतलब यही है, 10 ग्रीवा का मतलब कि उसके अंदर वो 10 वाइसेस थे, पांच फेमिनाइन पांच मस्कुलाइन, जिसमें वो कुछ भी कर सकता था। मतलब आप यहाँ पे ये दिखाया है कि माया इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है। हम कई बार कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, हम इतना ध्यान लगा रहे, पर माया कहाँ से घुस जाएगी आके और अपने रंग में बदल लेगी आपको तो पता नहीं चलेगा। आप एक शादी में जाया हो, शादी घर की हो, फंक्शन घर का हो, 2-3 दिन आपको उस शादी में लगाना है, 10 दिन नॉर्मल नहीं होते, आप ध्यान की वो अवस्था नहीं वापिस आती। क्यों? कहा वहां का खान पान खा के आए, वहां के लोगों के बीच में रह के आए, उसका असर 10 दिन वापस जाता नहीं है शरीर में से, आपका वो ध्यान की वो जो वो होती है ना एनर्जी, वो वापस नहीं आती, इतनी मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को दोबारा ऊपर उठाने के लिए। आप तभी किसी माता सीता किसी जब के उन्होंने गलत पानी हाथों पिया का था, भोज। हां जी क्या कह रहे हो? तभी माता सीता ने जब लंका वाला पानी पिया तभी उनका ध्यान नहीं ना लगा, तो फिर खाने पीने कितनी का भी तो कितनी बहुत। भ्रमित होगी वो, कितनी देर वापस ही नहीं आ पाई, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट आ गया उन्हें एक पानी की घूंट ने। भी कल जो मैम साउंड वाली वो वाइब्रेशन वाली बात हो रही थी, तभी वो धरती में भी वहां उनकी मिट्टी में भी वो देखो वाइब्रेशंस थी कि उसमें कुछ था ही हाँ नहीं। हाँ मैम जी इन हाँ चीजों से बच नहीं सकते? मैम क्या इन चीजों से बच नहीं सकते कि गए और हमारी वाइब्रेशन खराब ना हो, डिसबैलेंस ना हो? ऐसे अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी पड़ेगी ना, अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए 8 परमात्मा क्या कहते हैं, 3 पहर है ना, 8 घंटे सोवो, 8 घंटे काम करो और 8 घंटे ध्यान करो, फिर बच सकते हो, फिर आओगे 1008 की माला में। और 8 घंटे जो काम करना है उसमें भी कर्म योगी, योग किसके लिखाना लाना है? मन मना भव, मेरे साथ ही मन लगा के रखो। और जब हम जाते हैं ना किसी अच्छे से मार्केट में और सामने लिखा हुआ है कि 2 अच्छी साड़ियों के साथ 2 फ्री है ना, दिमाग वहीं घूम जाता है कि एक बार तो जाके देखते हैं अंदर। आ गई ना माया, बस इतना लिखी हुई एक लाइन से माया प्रवेश। और अंदर जाके भूल भी जाएंगे कि हम ध्यानी भी हैं, ये साड़ियों तो के फिर रंग रोज है मैम। चकाचौंध घुमा देगी कि हम ध्यानी भी हैं। माया को तुम बज हम अपने हाथ में रखते हैं, ये राहुल तो जी रोज है फिर मैम, ये तो एवरी है मिनट और एवरी आवर है। आपको मोबाइल ही राहु है, तो आप माया तो हाँ अपने हाथ में मोबाइल, रखते हो। मोबाइल सबसे बड़ी माया आज के टाइम में वो है। अभी इस टाइम पे राहु सबसे ऊपर प्रधान ग्रह किसको कहा जाता है? राहु को कहा जाता है, को हाँ इसी वजह से राहु को कहा जाता है, बिकॉज देखो अभी हम लैपटॉप पे लगा रहे हैं तो ये ऑल्सो देवी राहु है। अब राहु इज अ टॉप इंटेलिजेंस और राहु आपको घुमा भी। अब यहाँ पे आप एक दो ऐसे करो, स्क्रॉल करो साइड में, कुछ कुछ खुलने लग जाएगा, आपका दिल कर ही आएगा, क्लिक कर लेते हैं। अभी आप फोन चलाओ साइड में, कहीं मिंत्रा की ऐड आ जाती है, कभी लाइम रोड की ऐड आ जाती है, कभी अमेजोन कुछ दिखा देता है, तो कभी तो मन कर ही जाता है कि ये देख ही लेते हैं खोल के क्या है, क्योंकि ये मन बहुत चंचल है। और अभी आजकल तो पैसे भी देने इजी हो गए, एक क्लिक करो पैसे इजी, देगी। हाँ क्लिक करना है, कहीं जाना नहीं, मांगने नहीं, कुछ करने नहीं, किसी को पता भी नहीं चलता कितने की शॉपिंग कर ली। हाँ जी क्या बोल रहा है सुमित? आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही दीदी सुमित आपकी। एक लाइन थी बीच में, कुछ उच्च आकाशीयत कारण। आकाशीय स्तर, उच्च आकाशीय स्तर जो एस्ट्रल ट्रेवल
एस्ट्रल वर्ल्ड भी कहते हैं, जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स भी कहते हैं, भी ब्रह्मांड में, मतलब हमने कोई चीज उच्च आकाशीय रिकॉर्ड होती है जिसकी सिक्स सेंस पे काम करती है, उन्हें वो सुनाई देती है, वो आवाज, वो इंट्यूशंस। जो राम का उनको सुनाई दिया था वो था वो ना। तो ब्रह्मांड में दोनों तरह की है ना, बैड स्पिरिट्स भी हैं, गुड स्पिरिट्स भी हैं। तो अब आप, उसने पानी पिया तो बैड स्पिरिट्स की एनर्जी घूमगी चारों तरफ। फिर जब बिल्कुल उन्होंने, मतलब ऐसे निस्तेज होगी कि प्राण पखेरु होने वाले हुए, तब, क्योंकि मरने तो देना नहीं था, अब वो शक्ति पावर किस कार्य के लिए आई है, तो तब गुड स्पिरिट सामने आई, तो उनकी उनकी प्रेजेंस फील हुई। मतलब वो इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने बाकी नेगेटिव जो पावर्स थी उनको मर्ज कर दिया। तभी कहते हैं दीदी खाना और जो भी पी रहे हो आप उसको अच्छी वाइब्रेशंस दे के लो। हाँ, जब हम छोटे होते थे हम सीरियल में देखते थे वो कमंडल लेके घूम रहे हैं जो साधु संत होते हाँ, हैं उसमें पानी होता है। पहले हम सोचते थे पानी क्यों लेके घूमते आए हैं, कुछ और क्यों नहीं लेके हाँ घूमते, तो वो अभी समझ में आया अभी वो पानी क्यों लेकर घूमते हैं। हाँ पानी क्यों लेके। हाँ जी हाँ जी इसमें तो बस यही हो गया ना कि हम भी नेगेटिविटी को तभी मर्ज कर पाएंगे ना, अगर हम खुद इतने पावरफुल हो। अब सीता तो, मतलब वो तो इतने पावरफुल थी कि उन्होंने नेगेटिविटी को मर्ज करके अपने ऊपर हावी ना होने दिया ना। एक बार चलो हो गया, तो अपने अंदर अगर इतनी पावर होगी तभी नेगेटिविटी को इमर्ज वो करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी जैसे अब हम भी है, हम थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाते हैं तो हमें बुरे और अच्छे की फीलिंग आने लगी, पर अगर हम थोड़ी देर ज्यादा रहेंगे बुरे में तो हम बुरे की चपेट में आ जाएंगे, उसमें वापस निकलने में आपको बहुत समय लग जाता है। मतलब मैं कई बार अभी फील करती हूँ कि किसी प्रोग्राम में चले जाओ, ऐसी घुटन सी महसूस होने लग जाती है भी, जल्दी चलो, जल्दी जाना है, घर जाना है, बस घर जाना है। और सबसे बढ़िया अपना घर लगता है, अपनी जगह लगती है, कि मैं तो खुद सर सर को बोल रही थी कि सर संडे को ना शटर बंद करवा दिया करो बाहर, और मेरे को ऑफिस में छोड़ दिया करो, किसी को हवा भी ना पता चले मैं हूं यहाँ पे। पर बुआ जी देखो आजकल ना मतलब हर एक चीज में, कल हमारी ब्लड ब्लड डोनेशन कैंप पे ना बात चल रही थी, किसी को ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए था बहुत इमरजेंसी में, तो मेरी दो तीन जनों से मेरा ले बात लेना हुई। था, अच्छा, मुझे पता नहीं था मेरा ये चंडीगढ़ पॉजिटिव 40 में ही थे वो बेचारे, बहुत है। हाँ, सीरियस थे। तो हिमांशु जी को याद करा करो ना, हिमांशु जी इसी काम के लिए तो है। हिमांशु जी अच्छा ने अपने आप 117-15 बार ब्लड दे रखा है। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से पक्का याद हाँ, इनका रखूंगी। तो रिकॉर्ड है यहाँ पे इस एरिया में, और वैसे भी ये अरेंज कराते हैं, ये वहाँ ब्लड डोनेशन उसके बैंक के मेंबर भी हैं, बुका, ये तो दूर दूर से फोन आते हैं इनको तो ब्लड के लिए। हाँ जी एक्चुअली पीयूष मेंबर है तो वो कहता मैंने छोड़ दिया, उसने कहा अभी ये भी इसमें भी बहुत वो है स्कीम्स लगाते हैं हाँ, लोग। धोखेधड़ियां बहुत ज्यादा होती हैं। हाँ वो कहता मेरा विश्वास उठ गया है इससे ब्लड कैंप से ना, तो वो बेचारा बड़ा ही वो था, इसलिए मैं कह रही हूँ भी हर एक चीज में आजकल वो है मतलब तो पर वो। अपना कार्य करते रहो, अभी मतलब बस जो आपको सही लगे वो करते रहो। बहुत ज्यादा पब्लिकली आप जाओगे ना तो पॉलिटिक्स तो मिलेगी आपको, चाहे आप किसी फाउंडेशन के साथ जुड़ जाओ, चाहे आप किसी क्लब के साथ जुड़ जाओ, तो वहां पॉलिटिक्स, क्योंकि आप अपने आप को बदल सकते हो, दूसरे को बदल नहीं सकते आप। जो पॉलिटिक्स दुनिया और की स्कैम तो वाइब्रेशन है कर उस, लगाना। हाँ, दूसरी दुनिया को नहीं आप चेंज कर सकते, किसी को नहीं कर सकते। पर मैं एक चीज कहूंगी कि आप अपने नियर डियर को जरूर बोलो ये सीताइन पढ़ने के लिए, आप पढ़ाओ, हम दोबारा पढ़ा देंगे। जो ना वी ना केस हैं, मैं स्पेशली उनको भी कहूंगी कि वी केस को भी बोलो, क्योंकि बहुत सारे काम उनके अंदर क्वेश्चन मार्क होते हैं वी केस के अंदर, ये काफी अच्छे से क्लियर करने वाली बुक है। मैंने बुआ जी शेयर की है बहुत लोगों से, 10 अभी अभी तक 10 लोगों से शेयर कर चुकी हूँ मैं। हाँ, अब मैंने बहुत तो पता बहुत नहीं, बढ़िया। हाँ, मैं भी कर बहुत रही बढ़िया। हूँ शेयर मैम, पर 2 मई की नहीं है हमारे पास वीडियो ना। सर को बोल दिया करो, सर कर देंगे ना 2 मई की का। हाँ, क्या क्यों हाँ नहीं जी आई, बीच में से है नहीं, 2 मई की नहीं आई है सर। कोई नहीं, आ जाएगी सर, दे देंगे 2 मई की थैंक ना यू सर, उसका। थैंक यू मैम। हाँ।
तो भेजो अभी पूरी की पूरी, फिर जब वो हो जाएगी अपनी तो तब और भी ज्यादा, जितना ज्यादा हम इसको वो करेंगे, सबसे पहले तो अपने क्वेश्चंस इतने क्लियर होते हैं। आज जिन्होंने अमृत वेला किया था, मैंने वही कविता गुप्ता की ही मेडिटेशन चलाई थी जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया, हाँ जी हाँ, आज उन्हीं की मेडिटेशन थी। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू मैम।